नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स, आसान मासिक किस्तों पर। कहलगांव में बाइक से जा रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत, ग्रामीणों में दहशत। बकरीद को लेकर बकरे का बाजार हुआ गुलजार, सेरा और सलमान रहा आकर्षण का केंद्र। अंग प्रदेश की लोक कला मंजूसा पेंटिंग से सजी विक्रमशिला एक्सप्रेस को डीआरएम ने झंडी दिखाकर किया रवाना, मंजूसा प्रेमियों में दिखा उत्साह। डीआरडीए सभागार में जिला विकास समन्वय समिति की हुई बैठक, डीडीसी ने सभी बीडीओ को योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शराबबंदी के बावजूद नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार, परवत्ता पुलिस ने चेकिंग के दौरान 60 कार्टून विदेशी शराब किया बरामद। और अब खबरें विस्तार से। कहलगांव अनुमंडल के सनोखर थाना क्षेत्र साहूपाड़ा बलबड्डा मुख्य सड़क मार्ग पर अज्ञात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान महगामा थाना क्षेत्र के सीतल गांव निवासी मोहम्मद इजराइल के 22 वर्षीय पुत्र कमरुल हसन के रूप में हुई है। युवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सनोखर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को मृतक युवक अपने बहनोई अब्बास को पहुंचाने सोनागुजी गांव गया था। इसके बाद मृतक युवक शाम 6 बजे बाइक से अपने घर महगामा लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने बलबड्डा मुख्य सड़क पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने मृतक का बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गया। शनिवार की सुबह सड़क से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने सबको देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की नियमित गश्ती नहीं होने के कारण अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की घटना से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। बकरीद का त्यौहार सोमवार को मनाया जाएगा, इसे लेकर बकरा बाजार की रौनक बढ़ गई है। बकरे की खरीदारी करने के लिए भागलपुर ततारपुर चौक स्थित बाजार में लोगों की भीड़ जुटने लगी है और पूरा बाजार गुलजार है। इस बार बाजार में पिछले साल की तुलना जानवरों के दाम अधिक है। बाजार में 10 से 70 हजार रुपए तक का बकरा बिक रहा है। शनिवार को ततारपुर चौक पर सेरा, जॉनी, सोनू, शाहरुख, हीरा, मोती, सलमान, अकबर और सहंसा नामक बकरा आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसके अलावा चंपानगर, साजंगी, मौलाना चक, लोधीपुर, बलुआ चक, तेतरी आदि जगहों पर बकरा का बाजार गर्म है। वहीं बकरीद को लेकर भिकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अहमद अशरफी ने कहा कि यह त्यौहार त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जबकि समाज सेवी हाजी मंसूर अली बारसी ने बकरीद को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की बात कही। हर मजहब व मिल्लत में ये कुर्बानी का रस्म और सिलसिला है। कहीं कोई बलिदान देता है, कोई भेंट चढ़ाता है, वो सब क्या है कि अपने अपने अंदाज में देता है। कुर्बानी हर मजहब व मिल्लत के लिए है, नाम अलग है, समझा ना। लिहाजा इस कुर्बानी को अल्लाह बहुत पसंद करता है और बहुत अजीज़ है। लिहाजा इंसान को तहे दिल से, दिल की गहराई से अल्लाह की मोहब्बत में कोई नाम नमूद नहीं हो, दिखावा नहीं हो, भाईचारगी के साथ और अमन और शांति के साथ इस काम को अंजाम देना चाहिए। हम ये लोगों को पैगाम देते हैं कि नहायत ही पुरसकून अंदाज में इसी नुक्ते नज़र से कुर्बान करें। बकरीद का त्यौहार अल्लाह ने आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर के रहने का, बकरीद का खुशी मनाने का संदेश दिया है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी हैसियत है तो तुम मेरे राह में एक जानवर कुर्बान करो, और उस कुर्बानी के जानवर का 3 हिस्सा करके, एक गरीबों में, एक अपने परायों में और एक हिस्सा अपने घर में खाओ, ताकि गरीब भी तुम्हारे साथ इस खुशी में बराबर का हकदार बने और वो भी तुम्हारे साथ खुशी मना सके।
भागलपुर रेलवे स्टेशन से शनिवार को मालदा रेल मंडल के प्रभारी DRM PK मिश्रा ने अंग प्रदेश की लोक संस्कृति की पहचान मंजूषा चित्रकला से सजाई गई भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहुला विसहरी की लोक गाथा से जुड़ी मंजूषा पेंटिंग को मंजूषा कलाकारों द्वारा ट्रेन की सभी बोगियों में उकेरा गया है, जिससे भागलपुर और अंग प्रदेश की पहचान मंजूषा पेंटिंग को पूरे देश में नई पहचान मिल सके। रेलवे ने इसकी शुरुआत विक्रमशिला एक्सप्रेस से की और अब रोजाना चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस यात्रियों के साथ देशवासियों को मंजूषा चित्रकला के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करेगी। DRM PK मिश्रा ने कहा कि अंग की पुरानी पहचान और संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए सभी मंजूषा कलाकारों ने काफ़ी मेहनत की है और इसके लिए सभी कलाकार बधाई के पात्र हैं। रेलवे के माध्यम से अमूल्य धरोहर की पहचान को देश के साथ पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा, जिससे हमारी कला संस्कृति के बारे में सभी जान सके। DRM ने कहा कि बिहुला विसहरी की लोकगाथा से जुड़ी मंजूषा कला नारी सम्मान को दर्शाती है और इसके साथ सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी मंजूषा पेंटिंग काफी आकर्षक है। आने वाले समय में रेलवे स्टेशन के कई जगहों पर मंजूषा पेंटिंग बनाई जाएगी। इससे पूर्व विसहरी पूजा समिति के सदस्य एवं मंजूषा कलाकारों ने DRM का बुके देकर स्वागत किया और रेल प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके पूर्व DRM ने प्लेटफॉर्म एवं स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और रेल अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर सीनियर DOM AK मौर्या, सीनियर DCM लाल साहब, स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह, स्टेशन डायरेक्टर PP शर्मा, AO आलोक सिंह समेत कई रेल अधिकारी, मंजूषा कला प्रेमी एवं विसहरी पूजा समिति के सदस्य मौजूद थे। पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आज का जो प्रयास किया है ये बहुत काबिले तारीफ है और इसमें मैं भागलपुर की जो कला के जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जो कलाकार हैं, इन्होंने निस्वार्थ और जो कड़ी परिश्रम करके यहाँ की जो कोई भी विलुप्त लोक शैली थी उसको इन्होंने जिंदा किया और इसको हम लोग रेल के माध्यम से इस कला शैली को, इस संस्कृति को पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हम लोग फैलाएंगे। भागलपुर के DRDA सभागार में DDC सुनील कुमार की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना में पूरे हो चुके कार्यों की सूची गूगल सीट पर डालने एवं वार्ड कार्यान्वयन समिति के द्वारा 20 अगस्त का कैंप कराकर अभिलेख ठीक कराने का निर्देश सभी वीडियो को दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नली गली योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी वीडियो को 100% लाभुकों का निबंधन कराने एवं जियो टैगिंग कराने, 2 दिन में स्टेडियम निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन देने और ODF का सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। बैठक में डायरेक्टर DRDA प्रमोद कुमार पांडे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO, ICDS अर्चना कुमारी, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी DEO, DAO, DPRO समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी का धंधा बदस्तूर जारी है। शनिवार को नगछिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वैन से 60 कार्टून में बंद 504 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। दरअसल विक्रमशिला सेतु पर परवत्ता पुलिस द्वारा सघन वाहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान JSI राघव कुमार सिंह ने संदेह होने पर तेज रफ्तार पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने पीछा कर पिकअप वैन को जाह्नवी चौक पर पकड़ लिया। वहीं मौका देखते ही चालक फरार हो गया। तलाशी के दौरान पिकअप वैन से विभिन्न ब्रांड के झारखंड निर्मित 60 कार्टून शराब को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस जब्त गाड़ी के नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता लगाने में गई है। बिहार के मुख्य सचिव एवं DGP ने शनिवार को बकरीद एवं सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव एवं DGP ने त्यौहार के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने एवं शांतिपूर्ण ढंग से पर्व त्यौहार संपन्न कराने का निर्देश दिया। भागलपुर के NIC भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी, जोनल IG विनोद कुमार, DM प्रणव कुमार, DIG विकास वैभव एवं SSP आशीष भारती मौजूद थे। इस दौरान भागलपुर के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी मुख्यालय को दी और सुरक्षा से संबंधित कार्य करने की बात कही। बबरगंज थाना क्षेत्र मोगलपुरा बड़ी मस्जिद के समीप रंगदारी की रकम नहीं देने पर अपराधियों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ बमबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद बम के तेज धमाकों से इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल शुक्रवार को मोहम्मद इजराइल के पुत्र का छोटू एवं अरशद नामक बदमाश ने अपहरण कर लिया और उसके पिता से 20,000 रुपए फिरौती देने की मांग की। वहीं रुपए नहीं देने पर अपराधियों ने हत्या करने की बात कही। अपने बेटे की अपहरण की सूचना मिलते ही मोहम्मद इजराइल कबाली मैदान पहुंचे और सुबह में रुपए देने की बात कही,
जिसके बाद अपराधियों ने युवक को छोड़ दिया। वहीं सुबह रंगदारी की रकम लेने आए बदमाशों ने रुपए नहीं मिलने पर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही बवरगंज पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मोहल्ले का थाना में बोलते हैं, उसके बाद जो है चला गया गाड़ी में बैठ के, इसको कव्वाली मैदान में भवन है वहाँ माल लिया रूम में बंद कर दिया, इसके हाथ पर में रस्सी लगा दिया कल शाम में जी। और हम लोग 2 बजे रात तक खोज रहे सर, पता चला कि मेरा लड़का वहाँ बांध के रखे हुआ। हम लोग जब पहुँचे वहाँ तो हम लोग को बोला कि 20,000 रुपये भरे चाहिए, हम छोड़ देते हैं आपके लड़का को, या तो भरे गोली बम चलेगा तुम्हारे घर पर। अब वही काम किया सर। कितना बम मारा था? इधर मारा सर, यहाँ ही मारा सर, गिनती नहीं। हम लोग तो अंदर चले गए सर, छोटा छोटा बच्चा बाहर में था, सबको जल्दी से लेकर अंदर चले गए सर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुँच कर आयोजन को सफल बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के नाथनगर रामपुर खुर्द स्थित रामबती कन्या मध्य विद्यालय में घटिया मिड डे मील खिलाने के विरोध में छात्राओं ने जमकर हंगामा करते हुए विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान छात्राओं ने प्राचार्य को हटाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं हंगामा बढ़ता देख छात्राओं को समझाने स्कूल पहुंचे पप्पू यादव को छात्राओं ने बंधक बना लिया। छात्राओं ने प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके बाद DPO सुभाष कुमार गुप्ता के निर्देश पर नाथनगर BEO शिवचंद्र यादव स्कूल पहुंचे और छात्राओं से पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद BEO ने प्राचार्य की जमकर क्लास लगाई। BEO ने प्राचार्य की शिकायत वरीय अधिकारियों से करने की बात कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। मुझे मालूम था कल ही से, तो कल जो है जनसभा थी, हबीबपुर थाने में नहीं आ सका मैं, आज लेट से आया, तब तक देखा कि बच्चे हंगामा कर रहा था। सबसे पहले मैंने बच्चे से पूछा और 8 क्लास से शुरू किया, तब उसका नीचे आया, सारी बच्चों ने बच्चियाँ ने बताया कि हम लोग की पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं चल रही है, छात्रवृत्ति पोशाक की राशि हम लोग को समुचित ढंग से नहीं मिल रहा है, खाना के बारे में तो उन लोगों को इतनी बात थी कि अगर केला देता फल तो सड़ा हुआ, खाना देता तो पानी मिला हुआ, हरी सब्जी का नाम नहीं है।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में शनिवार को नो ड्यूज कराने के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल पीजी सत्र 2017-18 के सेमेस्टर 2 और सत्र 2018-20 के सेमेस्टर 1 का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। परीक्षा फॉर्म जमा करने के पूर्व छात्रों को नो ड्यूज कराना अनिवार्य होता है। वहीं कर्मियों की कमी के कारण और छात्र छात्रा का काउंटर अलग नहीं होने से केंद्रीय पुस्तकालय में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इस दौरान छात्राओं ने पुस्तकालय में हंगामा भी किया। इंटर स्तरीय राय हरि मोहन ठाकुर बहादुर विद्यालय बरारी में बिहार शिक्षा परियोजना के उन्नयन बिहार योजना अंतर्गत स्मार्ट क्लास का उद्घाटन शनिवार को नगर विधायक अजित शर्मा ने फीता काट कर किया। स्मार्ट क्लास की शुरुआत समारोह पूर्वक की गई, जिसमें विधायक अजित शर्मा ने रिमोट दबाकर शुभारंभ किया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को अनुशासित होकर पढ़ाई करने और नियमित रूप से कक्षा कर स्मार्ट क्लास का लाभ लेने की बात विधायक ने कही। साथ ही स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा के स्तर को बेहतर करने का निर्देश दिया। वहीं पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान ने घोघा के संत लाल उच्च विद्यालय में उन्नयन बिहार योजना अंतर्गत स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। विधायक ने सभी छात्रों एवं शिक्षकों से स्मार्ट क्लास की तकनीक का लाभ लेने की बात कही और विद्यालय प्रबंधन से स्कूल में मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र छात्रा समेत कई लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पूरे राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर शनिवार को नाथनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 1000 फलदार पौधा लगाया गया। CTS प्राचार्य की मौजूदगी में हवलदार एवं प्रशिक्षु जवान ने पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। प्राचार्य विजय प्रसाद ने कहा कि CTS परिसर में 2500 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जीवन बचाना है तो पेड़ को लगाना होगा। इस मौके पर CDI अमित कुमार, रामविलास यादव, इंद्रदेव पासवान, कलावती, मनोहर प्रसाद सहित प्रशिक्षु जवान मौजूद थे। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG ग्रामीण अर्थशास्त्र विभाग में शनिवार को पौधारोपण अभियान चलाया गया। मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने पौधा लगाकर अभियान को सफल बनाने की बात कही। इसके बाद छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया और पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह समेत विभाग के कई शिक्षक और छात्र छात्रा मौजूद थे। भागलपुर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के छात्र राजा कुमार KBD सीजन 3 में विजय हासिल कर सूबे का नाम रोशन किया है। राजा कुमार मूलतः बांका अमरपुर का रहने वाला है और दिशा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करता है। राजा कुमार मूल रूप से बांका अमरपुर का रहने वाला है और दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करता है। भागलपुर से KBD जूनियर में केवल राजा कुमार का चयन हुआ था। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर चैंपियन बना। इसको लेकर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल समेत अंग प्रदेश के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शनिवार को स्कूल में राजा कुमार का स्वागत किया गया। स्कूल के निदेशक संजय पासवान ने राजा की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय प्रबंधन स्कूल के छात्रों की शिक्षा के साथ खेलकूद एवं अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो संभव नहीं कि स्पोर्ट्स में कोई लाइफ बन जाए। कहते हैं ना कि खेल जो बच्चा खेलते हैं वो बिगड़ जाता है, जो पढ़ते हैं वही नवाब बनता है। अभी युक्ति खत्म हो गई है। सामूहिक विकास के लिए बच्चों को सभी तरफ ध्यान देनी चाहिए। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में कम से कम 18 इस तरह के डिबेट है, 18 गेम है जिसमें पूरा प्रकाश दिया जाता है, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो, क्रिकेट है, गेम में वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, बॉलमिंटन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम यहाँ होते रहते हैं। यहाँ तक इस स्कूल में तीरंदाजी भी है, गुलेलबाजी भी हो रही है। बच्चों को ऐसा नहीं लगे सिर्फ हम किताब में उलझे हुए रह गए। भागलपुर नगर निगम महापौर कार्यालय कक्ष में बिसारी पूजा, बकरीद एवं स्वतंत्रता दिवस पर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने को लेकर शनिवार को मेयर सीमा शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपनगर आयुक्त एवं उप महापौर की मौजूदगी में बिसारी पूजा समिति के सदस्यों ने सभी पर्व त्यौहार से पूर्व शहर में रोशनी एवं साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ कराने का आग्रह किया। महापौर सीमा शाह ने सभी पर्व त्यौहार से पूर्व साफ सफाई एवं तमाम सुविधा मुहैया कराने का भरोसा पूजा समिति एवं शहर को दिया। उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि नगर निगम द्वारा एक दस्ता तैयार किया गया है जो सभी पर्व त्योहार में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। पेन इंडिया द्वारा काटे गए विसर्जन मार्गों की सड़कों को पूजा से पूर्व मोट्रेवल कराया जाएगा, जिससे विसर्जन के दौरान पूजा समिति एवं आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही कहा कि घाटों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर उप नगर आयुक्त SP वर्मा, शंकर राय, प्रदीप कुमार, मोहम्मद रेहान समेत कई पार्षद, पूजा समिति के सदस्य एवं समाजसेवी मौजूद थे।
भागलपुर के समाहरणालय मुख्य द्वार के समीप शनिवार को परिवहन विभाग के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एएसआई प्रमोद भारती समेत कई पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में बिना हेलमेट एवं ट्रिपल लोडिंग वाले बाइकों को रोककर कागजातों की जांच की गई और जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी से दर्जनों वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते पकड़ा गया और जरूरी हिदायत देकर चालान काटा गया। इसको लेकर काफी संख्या में पुलिस बल को शहर के अलग अलग चौक चौराहे पर तैनात किया गया है। पकड़े जाने के बाद कई बाइक चालक पुलिस से उलझ गए, जबकि कई युवक हेलमेट नहीं पहनने को लेकर कई बहाना ढूंढते रहे, लेकिन जांच अधिकारी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गौरतलब हो कि सुरक्षा और कानून का पालन कराने को लेकर जिला अधिकारी प्रणब कुमार के निर्देश पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर TNB कॉलेज के BCA विभाग में शनिवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सेमेस्टर 2 के छात्र छात्राओं ने सेमेस्टर 1 के छात्रों का स्वागत किया। इसके बाद विभाग की परंपरा अनुसार मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर को चुना गया, जिसमें आदित्य कुमार और फौजिया ने बाजी मारी। सफल प्रतिभागी को विभाग के शिक्षकों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, प्रोफेसर सरोज राय, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर आनंद पांडे, डॉक्टर राकेश कुमार समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज हेडलाइंस पे। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। कहलगांव में बाइक से जा रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत, ग्रामीणों में दहशत। बकरीद को लेकर बकरे का बाजार हुआ गुलजार, सेरा और सलमान रहा आकर्षण का केंद्र। अंग प्रदेश की लोक कला मंजूसा पेंटिंग से सजी विक्रमशिला एक्सप्रेस को DRM ने झंडी दिखाकर किया रवाना, मंजूसा प्रेमियों में दिखा उत्साह। DRDA सभागार में जिला विकास समन्वय समिति की हुई बैठक, DDC ने सभी BDO को योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शराबबंदी के बावजूद नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार, परवत्ता पुलिस ने चेकिंग के दौरान 60 कार्टून विदेशी शराब किया बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।